एग करी रणवीर ब्रार, स्पाइसी एग करी, बिहारी एग करी, इजी एग करी, कोल्हापुरी एग करी, हैदराबादी एग करी, ढावा अंडा मसाला, अंडा तवा मसाला, एग मलाई करी, पेरी पेरी एग करी, 9 एग करी रेसिपीज बना चुका हूं मैं, और अभी तक मैंने एक ढाबे स्टाइल सिंपल एग करी आपको नहीं दिखाई। नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार, और आज हमारी 10वीं एग करी को हम सेलिब्रेट करेंगे, बनाएंगे ढाबा स्टाइल एग करी। इसके बाद एग करी बनाना पता नहीं मेरे को एग करी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बनाऊंगा, और 25 एग करियां हमारे चैनल पे आएंगी। ढाबा स्टाइल एग करी बनाने के लिए आपको चाहिए टमाटर, ये एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट जो है ये 20% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा आपकी। जलंधर के बाद ना जब आप टोल क्रॉस करते हो, वहाँ पे एक ढाबा है, वो बनाता है ये एग करी, बहुत स्वाद है। नेक्स्ट टाइम आप जाओ तो ज़रूर ज़रूर आपको ट्राई करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर तो टमाटर अभी भी महंगा है तो इसमें डालेंगे थोड़ी दही, अगर टमाटर सस्ता हो चुका है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा और टमाटर डाल लीजिएगा। धनिया की डंडी, सिर्फ इस धनिया की डंडी से जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाएगा। लो जी दही पेस्ट बनाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है पेस्ट, इसे सबसे पहले बनाने दे रहा हूं आपको। ऑब्वियसली आप ही बनाओगे, मैं थोड़ा बनाऊंगा। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, बारीक पेस्ट बनाना है इसका, एकदम बारीक बारीक से बारीक। 4 मीडियम प्याज या 3 बड़े प्याज, प्याज मैंने जो है ना थोड़ा कम कर दिया है, इसलिए नहीं कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसलिए कि आपको कम ही लगेगा। अभी करना है प्रोग्राम चालू, उससे पहले वो पेस्ट बनाना है जो हर ढाबे में बनता है, जिसके बगैर काम नहीं चलता। पीछे ना मम्मा पल्लवी से बात करी थी मैंने, सुना कि ये तुम लोग क्यों बना के रखते हो अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से, अगर ताज़ा बनाओगे तो उसका आधे से भी कम लगेगा, और उस बात में बहुत दम है। हम लोग कई बार लेजी हो जाते हैं, हमको लगता है कि अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लो, अगर आप ताज़े बनाएंगे ना जल्दी भी बनेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको। जीरा, अदरक लहसुन हरी मिर्च, प्याज, प्याज को ना बस हल्का ब्राउन करना है, पंजाबी स्टाइल प्याज, मतलब जूसी होना चाहिए, ऊपर से कलर आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत सही। ये देखिए ध्यान से, अभी ये टमाटर का पेस्ट है, इसके अंदर हमने धनिया डालना है लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है। दूसरा क्या है कि इस टमाटर के पेस्ट के अंदर भी मैंने कच्ची अदरक और कच्ची हरी मिर्च डाली है, उसका मकसद ये है कि जो कच्ची हरी मिर्च है वो एक फ्रेशनेस देती है डिश को, और यहाँ पर जो पहले की हरी मिर्च है वो भुन के एक नटीनेस देती है। तो हरी मिर्च से ही हम 2 फ्लेवर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिंजर से ही हम 2 फ्लेवर्स क्रिएट कर रहे हैं, एक फ्रेश कच्चा फ्लेवर और एक भुना हुआ नटी फ्लेवर। दही है, फटेगा, जाहिर सी बात है,
आपने घबराना नहीं है। अब एक बहुत सिंपल सा मसाला है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इसको भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा मिक्सी में घुमाना है। अगर नहीं है ये मसाला तो ये बहाना नहीं चलेगा। आप एक काम करिए, आप सिर्फ धनिया पाउडर यूज़ कर लीजिए, काली मिर्च पाउडर अगर है तो अलग से यूज़ कर लीजिए। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास ये मसाले नहीं हैं, हम मसाले नहीं बना सकते, कैसे करें क्या करें, वो सब बहाने हैं। धनिया हमेशा बेस होता है, चाहे पंजाबी ढाबा है या कुछ भी है, पंजाबी खाना बगैर धनिया के बन नहीं सकता। थोड़ा नमक और जाइए पीस लाइए। वापस भुनाई की तरफ आए, ये देखिए पूरे रंग बदले हुए हैं इसके। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है साहब, भुनाई यानी कि अच्छे से फैट में जो कुकिंग होती है उसको उसका वक्त देना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, नो शॉर्टकट एट ऑल। डन है, अभी अंडे फ्राई करके रख लेते हैं। अंडे फ्राई करने के लिए आपको चाहिए तेल, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये देखिए अंडा है, अंडे को ऐसे मार लीजिए कट, ज्यादा गहरा नहीं मारना वरना हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ये अंडे का, ठीक है, मतलब फट जाएगा अंडा, वो भी नहीं चाहिए ना। ठीक है जी, देखो अंडे को ऐसे फ्राई कर लिया मिर्च के साथ, बाकी उसमें कट्स लगे हुए देखिए, वो कट्स के अंदर मसाला जो है घुस जाएगा। जितना भूनेंगे उतना सूखी रहेंगे, हाँ इस केस में बहुत जरूरी है, टमाटर कच्चा है, दही कच्चा है, मसाले कच्चे हैं, तो ऐसा ना हो कि जब गेस्ट आए तो आपकी शक्ल थोड़ी कच्ची रह जाए, इसलिए जितना भून सकते हैं भून लीजिए। और गेस्ट नहीं भी आए मतलब तसल्ली बख्श काम होना चाहिए ना साहब। अभी देखिए तेल अलग हो गया, मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब वो जो काली मिर्च और धनिया का मसाला बनाया है वो डालने का वक्त आ गया, मसाला आ गया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए मसाला बिल्कुल बारीक पिसा है, सही पिसा है, अच्छा काम किया आपने, गुड जॉब। देखिए क्या है ना कि ढाबे में वो गरम मसाले वाला फंडा होता नहीं है, तो जो कुछ भी है उसको धनिया के साथ पीस लेते हैं, जैसे हल्का सा इलायची का फ्लेवर देना है तो उसको धनिया के साथ पीस लिया, हल्का सा दालचीनी का फ्लेवर देना है उसको धनिया के साथ पीस लिया, एक साथ डाल देते हैं, वहाँ पर ये खुशबू वाले मसाले गरम मसाले का कोई फंडा नहीं होता। अभी तरी के साथ में अंडे को पकाना है। मेन चीज़ क्या है कि अंडे डालने के बाद तेल को ऊपर आने दें, बाद में आप अगर कम तेल सर्व करना चाहें आपकी चॉइस है। अंडे जो है वो करी में पकते हैं, एक करी का यहाँ पर मतलब यह है कि अंडे करी में पकते हैं और वो जो कट्स लगे हुए हैं उसकी वजह से थोड़ी बहुत करी का फ्लेवर अंदर चला जाता है। ढाबे में क्या करते हैं, ढाबे में ना इसके अंदर एक दो चीज़ें और डाल देते हैं लास्ट में, जैसे डाइस किए हुए टमाटर, इससे क्या ना एक रॉनेस आती है, एक फिनिशिंग आती है डिश में, टेक्सचर के लिए बाद में जो टमाटर और शिमला मिर्च जो आपने डाला है वो धीरे 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 हल्की सी खटास ऐड करता है, अपना फ्लेवर छोड़ता है और ग्रेवी को बैलेंस करता है। मोटा मोटी इसको अगर बना के आप कम से कम आधा घंटा छोड़ेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत 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 बेहतर हो जाएगा। ढाबे में क्या होता है, जैसे हांडियाँ चढ़ी होती है ना, चीज़ बन के रेडी हो जाती है, उसके बाद उसकी हांडी वहाँ चढ़ा के रख दी जाती है।
और भैया ढाबा हो, जलंधर का हो और धनिया ना हो, ऐसा तो नहीं होता ना। अभी एक और काम कर देते हैं, ढाबे की जो पुरानी ट्रिक है वो ये है कि अंडे का एक येलो पार्ट लेके उसको हल्का सा ऐसे क्रश कर देते हैं और ग्रेवी में डाल देते हैं। उससे क्या है, ग्रेवी में अंडे का फ्लेवर आ जाता है और दूसरा ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। अभी भैया जल्दी नहीं करनी इसको सर्व करने की, छोड़ दीजिए 10-15 मिनट। 10-15 मिनट धीमी आंच पे चूल्हे पे छोड़ दीजिए और पकने के बाद 10-15 मिनट गैस बंद करके ढक्कन लगा के छोड़ दीजिए। जितना आप छोड़ेंगे उसके फ्लेवर्स उतने मच्योर होंगे। और अगर समय है तो एक दिन पहले बनाइए साहब, अगले दिन खाइए, एक करी मजा ना है पैसा वापस। मतलब ग्रेवी हो तो इतनी पतली हो फिर तो, अब बोलते हैं ना अंडा करी, वरना तो अंडा मसाला हो गया। किसी ने लिखा था रणवीर तसल्ली से बैठ के खाया करो, तो हमने आपकी बात सुन ली, मान ली और बिल्कुल सही थी आपकी बात, बैठ के तसल्ली से ही खाना चाहिए। पंजाबी में कहते हैं लबेड़ लबेड़ के खाओ, मतलब रोटी को भिगो भिगो खा। वही मोन ने बोली। बैठ के खा लिया, तसल्ली से खा लिया, मजे से खा लिया, ठीक है। प्रूफ ये प्लेट में। अब आपको भी प्लेट ऐसी ही चाहिए तो उसके लिए अंडा करी आपको बनानी पड़ेगी, तो यहाँ तो फिर आप जलंधर बाईपास चले जाइए, हाँ यहाँ फिर बना लीजिए। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार और ये थी हमारे चैनल की 10वीं एग करी रेसिपी। 10 एग करीज हम बना चुके हैं अब तक, लेकिन हमने बोला 25 बनाएंगे तो बनाएंगे फिर, हैं? वो आप एग करीज देखते रहिए, हम बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।